हेलो गाइस, तो आज मैं कट करने वाली हूँ अपनी बेटी के बाल, जो कि बिल्कुल भी कट नहीं करवाना चाहती थी। काफ़ी रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने, तब ये हेयर कट करवा रही है। स्कूल जाती है बट इतने लंबे लंबे बाल रखती है, तो चलिए इसका हेयर कट मैं आज हेयर कट करने वाली हूँ। और कट करने के बाद देखिए इसका रिएक्शन कैसा आ रहा है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं इसके बाल। स्कूल गर्ल्स के लिए तो इतना अच्छा नहीं लगता है, बॉब कट या राउंड कट ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल शॉर्ट में नेक ईयर लेंथ तक। तो इस तरीके से कट करना है। सॉरी, इस तरीके से पहले बालों को अच्छे से गीला करके और अच्छे से सुलझा लेंगे और उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इसके बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे, मैं कितना भी आराम से कर रही थी बट दुख रहा था, तो क्या कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने कट कर दिया। बहुत आराम से घूम रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पापा भी कह रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा है हेयर कट होने के बाद से। तो जब भी आप हेयर कट करते हो, आपको सबसे पहले सेंटर पार्टीशन करनी होती है ताकि बाल आपके मतलब मैनेज रहें। और किसी भी साइड से कर लो, साइड पार्टीशन करो, सेंटर पार्टीशन करो, कहीं से भी ऊपर नीचे या छोटा बड़ा ना दिखे। तो इसके लिए इस तरीके से मैंने सेंटर पार्टीशन कर लिया और फिर से एक बार बालों को अच्छे से सुलझा रही हूँ। बीच बीच में ये गाना गा रही थी और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बालों को अच्छे से सुलझा लिया मैंने। अब देखिए कटिंग करने के लिए हम लोग को गाइडलाइन चाहिए होती है, तो गाइडलाइन के लिए हम करेंगे क्या, इतना हेयर कट करने वाली जहाँ पे मैंने कॉम रखा हुआ था। तो पीयू बोलती नहीं मम्मी थोड़ा लंबा कर देना, तो मैंने बोला ठीक है लंबा कर देंगे, लेकिन करेंगे तो वही जो हमको करना है। तो इस तरीके से हमने इसके बालों को अच्छे से कॉम कर लिया था। एंड लास्ट तक देखिएगा कटिंग करते करते कितना लेंथ पे आती है इसके हेयर। तो इस तरीके से किया है एंड दोनों साइड से बीच में से थोड़ा सा गाइडलाइन लेंगे। इस तरीके से साइड से बालों को हटा देंगे, दोनों साइड से फ्रंट में कर देंगे, ओके, ताकि हमको कटिंग करने में दिक्कत ना हो। और बच्चों के बाल काटते टाइम बहुत परेशानी आती है क्योंकि वो लोग फिर इधर उधर हिलाते रहते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से पकड़ा है मैंने फिंगर में बालों को, इस साइड के बालों को भी आगे कर दिया है। तो इस तरीके से ही आपको करना है अगर आप बच्चों का बाल कट कर रहे हो तो। और बिल्कुल ईयर लेंथ तक हम लोग कट करने वाले हैं, तो एंड तक वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने कट किया और इसका रिएक्शन आया कुछ ऐसा, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा बाल कट कर दिया। आप शीशे में मिरर में देखो ये रोएगी, मम्मी मेरे बाल क्यों कट कर दिए, तो इतना ज़्यादा लेंथ मैंने इसका कट कर दिया था। तो फिर मैंने बोला आराम से खड़ी हो जा चुपचाप, फिर ये खड़ी हो गई। बट इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा होगा। और ये बार बार टच कर रही थी कि मम्मी मेरे बाल कितने ज़्यादा आपने कट कर दिए। अब इस तरीके से इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट करेंगे और बार बार चेक करके कट करेंगे। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ में आए कि कैसे कट कर रही हूँ। सिर को ऐसे नीचे की तरफ रखना है और इस तरीके से कट करते जाएंगे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस तरीके से आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे हेयर को फ्रंट तक कट करेंगे। जितना गाइडलाइन है वैसे ही कट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, ओके। और अभी यहाँ पे हो रही थी बहुत ज़ोरों की बारिश, जिसमें ये लोग नहा के आए थे अभी, और फिर मैंने नीचे आके नहलाया और बाल कटिंग करने स्टार्ट किए। ये सोच रही थी मम्मी भूल जाए बाल कट ना करना पड़े, बट मम्मी लोग जो एक बार बोल देती है वो कभी नहीं भूलती है। तो इसी तरीके से आपको सारे फ्रंट के बालों को छोटा नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि स्कूल जाना है एंड मुंह पे बाल आएगा तो दिक्कत होगी इसको पढ़ने में, इसलिए अभी इतना ही कट होके नहीं रुकेगा। आप एंड तक वॉच कीजिए कितना कट करना है, कैसे कट कर रही हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दोनों साइड का बराबर कैसे आएगा, गाइडलाइन कैसे आएगी दोनों फेस के पास के हेयर को। मैंने इसको कटिंग सीट नहीं बनाई थी, तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट ना करें, क्योंकि आपको पता है मैं नोएडा से गाँव शिफ्ट हुई, फिर गाँव से नोएडा शिफ्ट हो रही हूँ, तो बहुत उथल पुथल मची हुई है। फिर मैं इसको नहला दूंगी बाद में इसके कपड़े उतार के, बस हेयर कट के टाइम तक ही रुका हुआ है। तो इस तरीके से सारे हेयर को कट कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम आराम से, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, तो बच्चे के कैंची भी लग सकती है और हेयर भी ख़राब हो सकते हैं। तो आराम आराम से आप कट कीजिएगा, चेक कर करके कहीं से छोटा बड़ा ना रह जाए। और बालों को टाइम टू टाइम कट करवाते रहना चाहिए, नहीं तो बालों की जो हेल्दी होते हैं वो बाल नहीं दिखते, और बाल घने होने के बावजूद भी घने नहीं दिखते, क्योंकि नीचे से हमारे बाल हमेशा पतले होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, तो कट करने के बाद उसका वॉल्यूम पता चलता है, इसलिए बालों को कट कराते रहना चाहिए।
और जो फ्रिजनेस होती है, ड्राइनेस होती है, दो मुँह बालों की प्रॉब्लम बहुत कम आती है अगर आप बालों को टाइम टू टाइम कट कराते रहते हो, ट्रिम कराते रहते हो। तो इस तरीके से कट कर लिया था, अभी बहुत ज़्यादा कटिंग बाकी है इसमें। अब इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कॉम कर करके कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है, इस तरीके से फिंगर में लेके, और जहाँ से भी आपको लगे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा उसको इस तरीके से। इस तरीके से कॉम करेंगे फिंगर में, इस तरीके से पकड़ेंगे। और इस तरीके से कट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए बच्चों का बाल कट करना कितना दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग सिर इधर उधर हिलाते रहते हैं। बस यही था, जैसे कर रही थी वैसे ये हो जा रही थी। देखिए इस तरीके से सिर को ऊपर की तरफ करके और नीचे से बालों को कट करना है, जो भी आपको लगे कि बराबर में नहीं कट हुआ है उनको, तभी कटिंग जो है वो बाद में अच्छी दिखेगी। देखिए अब पीछे से भी सिर को नीचे झुकाना है, पहले फ्रंट के साइड से कट कर लेंगे ऐसे। परेशान हो गई थी ये भी कि कितना मम्मी इधर उधर सिर कर रही है मेरा, बट क्या कर सकते हैं, अगर कटिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए करना पड़ रहा था। और मैं भी परेशान हो गई थी इसके सिर हिलाने की वजह से। तो इस तरीके से कट करते करते फाइनली मुझे लगा कि अभी कटिंग ठीक हो चुकी है, बट मैंने जब दोबारा से चेक किया तो मुझे फिर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखा, फिर मैंने कट किया इसके लिए। तो यहाँ पे पतले दांतों वाली कॉम लेंगे और इस तरीके से अच्छे से कॉम करके चेक करेंगे कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है हेयर। ये देखिए इस तरीके से फिंगर में पकड़ना है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि छोटा बड़ा है या नहीं है। तो इस तरीके से फिंगर में पकड़ के और कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा हेयर होगा। इस तरीके से फिंगर में पकड़ेंगे और बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि छोटा बड़ा हेयर है कि ठीक है, फिर आपको उतना हेयर कट कर देना है। ओके अब मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैं इसको बोल रही थी फिर अच्छे से रख ले। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा लगा, फिर मैंने यहाँ पे भी कट किया। अब इस तरीके से आपको बार बार बालों को चेक करने हैं कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है, बराबर तो कटे हुए हैं। तो फाइनली कटिंग अच्छे से हो चुकी थी और ये देखिए जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था वहाँ से मैं कट कर ले रही थी इस तरीके से चेक कर करके। और ये देखिए ये था इसका फाइनल लुक, लेकिन फ्रंट से अभी कुछ और कट करना है। तो फ्रंट से कट करने के लिए आपको इस तरीके से सामने की तरफ कॉम कर लेना है और थोड़े से हेयर लेके, इतने से हेयर लेके आपको फ्रंट से इस तरीके से कट कर देना है ताकि दोनों साइड बराबर रहे। जितना है अभी तो बिल्कुल बराबर है, जो फिंगर मैंने पकड़ा है यही छोटे बड़े हैं, तो इनको भी कट कर देंगे। और मेरा हेयर कट का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस तरीके से कॉम कर लिया है और ये था इसका फाइनल लुक। तो फाइनल लुक कैसा है वो मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो साइड पार्टीशन करो, सेंटर से कटिंग करना है लेकिन उसके बाद आपको साइड पार्टीशन कर देना है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब ये देखिए इसकी कटिंग कैसी लग रही है आपको। और सूखने के बाद बहुत अच्छा लुक आया था, अमेजिंग लुक आया था। तो आपको कैसा लग रहा है हेयर कटिंग इसकी? देखिए यहाँ पे फिर से छोटा बड़ा थोड़ा सा हेयर दिख रहा है, तो यहाँ पे कट कर देंगे। जो भी छोटा बड़ा लग रहा है उसको कट करते जाइएगा साथ के साथ, इस तरीके से गर्दन नीचे की तरफ करके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जितने भी बाल शरीर पे गिरे हुए हैं उनको आप पाउडर ले लोगे और इस तरीके से सारे बालों को शरीर में से निकाल दोगे, नहीं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इचिंग होने लग जाएगी और बहुत इरीटेटिंग होता है बाल अगर लगे रहे। तो इस तरीके से पाउडर लगा के और सारे बालों को झाड़ देंगे। और फिर मैं इसको नहला भी दिया था मैंने बाद में, कपड़ा भी चेंज करवा दिया था क्योंकि कपड़े में भी काफ़ी बाल फंस चुके थे। बच्चों का तो कट करो कैसे भी तो फंस ही जाते हैं, शरीर चला ही जाता है, क्योंकि छोटा छोटा कट करना होता है तो फिर
बाल चले ही जाते हैं अंदर में, तो उनको नहलाना ही पड़ता है बाद में हेयर कटिंग के बाद। तो ये था इसका फाइनल लुक, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अच्छे से क्लियर में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप भी छोटे बच्चों का बाल कट कर रहे हो तो ऐसे कट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको कटिंग और कैसी लग रही है मेरी बेटी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिरर में आपको देख रहा हूँ, मेरा बेटा बैठा हुआ था तो दिखने लग गया वीडियो में, तो उसके चला गया। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे घर में है टॉमी, किट्टू नाम है उसका, वही चिल्ला रही है क्योंकि नीचे से। इस तरीके से मैंने इसका हेयर कट कर लिया था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। मैं बार बार चेक कर रही थी कि कहीं कुछ रहना जाए, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई थी। तो आई होप कि आपको कटिंग अच्छी लगी होगी और कटिंग कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनल लुक वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की निजी जी ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए, मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर, हेयर केयर, पार्लर से रिलेटेड वीडियोज, बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल में मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेकंड चैनल पर जरूर जाइए मेरी शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए। तो कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने दोबारा से छोटा सा वीडियो लिया था इसके लिए, और इधर मैं सिलाई का भी काम करती हूँ तो मशीनें दिख रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो थैंक यू, क्योंकि खुद से ही शूट करना होता है, खुद से ही सारा कुछ करना होता है, अकेले ही सब मैनेज करती हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कैमरे में। तो प्लीज़ वो सब चीज़ें इग्नोर कर दीजिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी कटिंग करानी हो वो इस तरीके से कर पाएँ घर पर ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।